मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 इंडियन फेस्टिवल्स। तो ये वर्ड मीनिंग है आज की। फर्स्ट है बॉनफायर्स, BONFIRES, बॉनफायर्स। बॉनफायर्स को है आग को कहते हैं, या हम कहते हैं जो होली पे आग जलाई जाती है उसे भी कहा जाता है। तो यानी कौन सी बॉनफायर्स का मीन्स क्या है? आग से मीन है। तो होली का भी हम कह सकते हैं, आग भी कह सकते हैं। होली है HOLY, होली मीन्स होता है पवित्र होना। ओके, नेक्स्ट है मॉस्क्यू, MOSQUE, मॉस्क्यू मीन्स होता है मस्जिद। नेक्स्ट है एम्ब्रेस, EMBRACE, एम्ब्रेस मीन्स होता है गले लगाना। नेक्स्ट PROCESSION, इसका मीन क्या है? प्रोसेशन। प्रोसेशन मीन्स क्या होता है? जुलूस होता है। जो लोग जुलूस निकालते किसी का, उसे प्रोसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रेयर, PRAYERS, प्रेयर्स। प्रेयर्स मीन्स क्या है? प्रार्थना। कैरोल्स, CAROLS, कैरोल्स क्या होता है? ऐसे जनरली हम गीत को भी कह सकते हैं, क्रिसमस के ऊपर जो गीत गाया जाता है उसे कैरोल्स कहा जाता है, तो क्रिसमस गीत। नेक्स्ट है स्पेशलिटी, SPECIALITY, SPECIALITY, स्पेशलिटी। स्पेशलिटी मीन्स होता है विशेष होना, खास होना। नेक्स्ट है हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है? कटाई करना। तो हार्वेस्ट यानी जब फसल की कटाई करते हैं तो उसे कटाई कहा जाता है। EXPRESS, एक्सप्रेस करना यानी व्यक्त करना। ट्रेडिशनल, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल मीन्स क्या होता है? पारंपरिक। एक्साइटिंग, EXCITING, एक्साइटिंग होना, अधीर होना। इवेंट, EVENT, इवेंट का मतलब घटना है। ओके स्टूडेंट, तो ये वर्ड मीनिंग है जो आपको याद करने हैं और लिखने भी हैं। ओके स्टूडेंट, जो चैप्टर 8 है उसमें इंडियन फेस्टिवल, उसमें हम होली तक पढ़ चुके थे, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ईद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। ईद और ईद उल फितर सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है टू मार्क द एंड, ये बताने के लिए आखिर में जो होली यानी पवित्र महीना होता है रमजान का, उसके आखिरी में उसको बनाया जाता है। मुस्लिम्स कीप फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, मुस्लिम लोग जो होते हैं वो कीप करते हैं, कीप यानी रखते हैं, फास्ट यानी व्रत को रखते हैं, ड्यूरिंग यानी इस अवधि के अंदर, यानी जो रमजान महीने की अवधि होती है उसके दौरान क्या रखते हैं? व्रत को रखते हैं। ऑन द डे ऑफ ईद द मुस्लिम्स वियर न्यू क्लॉथ्स एंड ऑफर प्रेयर्स और नमाज एट मॉस्क्यूज और ईदगाह। ऑन द डे, इस दिन, ईद के दिन जो मुस्लिम लोग होते हैं वो वियर करते हैं, पहनते हैं नए कपड़े पहनते हैं और प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसे हम नमाज भी कहते हैं। कहाँ करते हैं? मॉस्क्यूज में करते हैं, मस्जिदों में करते हैं और ईदगाह में भी करते हैं। दे इम्ब्रेस वन अनोदर एंड विश ईद मुबारक, वे क्या करते हैं? एम्ब्रेस होते हैं, गले मिलते हैं, वन अनोदर एक दूसरे के, और विश करते हैं यानी अपनी खुशी को जाहिर करते हैं ईद मुबारक कह के। ए स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैयां इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे, और एक खास प्रकार की जो स्वीट डिश होती है, मीठी डिश होती है, मिठाई सेवैयां, वो इस दिन प्रिपेयर की जाती है, तैयार की जाती है। नेक्स्ट कौन सा है? गुरु पर्व, द सिक्स सेलिब्रेट्स गुरु पर्व एज द बर्थडेज ऑफ देयर 10 गुरुज।
जो सिक्स लोग होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, ग्रुप अप्स को सेलिब्रेट करते हैं एक बर्थडे के रूप में, जन्मदिन के रूप में करते हैं, जो उनके 10 गुरु हुए थे ना उनके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। दे गो टू गुरुद्वारास टू ऑफर प्रेयर्स, वे कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, प्रेयर करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट इन टाउन्स एंड सिटीज, एक बड़ा सारा जो जुलूस होता है, प्रोसेशंस मीन्स क्या, जुलूस होता है, जैसे आप पिक्चर में आप देख रहे हैं ना लोग बाग इतने सारे होते हैं, तो ये सब एक तरह से सेलिब्रेशन करते हैं साथ साथ ही, एक जुलूस के रूप में जाते हैं। तो टेकन आउट इन टाउन्स, और ये कहाँ लेके जाते हैं, उसी कस्बे में और शहरों में से गुजरते हैं। पीपल टेक फूड फ्रॉम ए कॉमन किचन कॉल्ड लंगर, और लोग बाग क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, सामान्य किचन में जहाँ बनता है जिसे लंगर कहा जाता है वहाँ से भोजन लेते हैं। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड इन ए बिग वे इन द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, गुरु पर्व जो है वो सेलिब्रेटेड किया जाता है, मनाया जाता है एक बड़े तरीके से। गोल्डन टेम्पल है जो अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है, तो उसके अंदर मनाया जाता है। ओके, तो अमृतसर में क्या है, गोल्डन टेम्पल है। हाँ, क्रिसमस, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियन ऑन डिसम्बर 25 एवरी ईयर टू मार्क द बर्थडे ऑफ जेसुस क्रिस्ट, क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेटेड किया जाता है, मनाया जाता है क्रिश्चियन लोगों के द्वारा, मनाया जाता है दिसंबर को, 25 दिसंबर को मनाया जाता है एवरी ईयर, प्रत्येक साल, और किसको बताने के लिए किया जाता है, जन्मदिन को बताने के लिए, किसका बर्थडे बनाने के लिए, जो जेसुस क्रिस्ट हुए थे उनके लिए, है ना, ईसा मसीह हुए थे ना उनके बारे में बताया जाता है, जेसुस क्रिस्ट के बारे में। ऑन दिसंबर 24 एट मिडनाइट, जब दिसंबर 24 दिसंबर के मिडनाइट होती है, मध्य रात्रि होती है, तो क्रिश्चियन गो टू चर्चेज टू ऑफर स्पेशल प्रेयर्स, क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं और स्पेशल प्रेयर करते हैं, वहाँ पे स्पेशल खास प्रार्थना करते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउसेज विद द क्रिसमस ट्री, वे सजाते हैं अपने घरों को क्रिसमस ट्री से, यानी पेड़ से सजाते हैं। दे स्टैंड अराउंड द ट्री एंड सिंग कैरोल्स, वे क्या करते हैं, उस पेड़ के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और साथ में कैरोल्स गाते हैं, गीत को गाते हैं। सांता क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर देम एट नाइट, और सांता क्लॉज जो होता है वो उनके लिए उस रात को क्या लेके आता है, गिफ्ट लेके आता है, है ना, उपहार लेके आता है। क्रिसमस केक स्पेशलिटी ऑफ क्रिसमस, जो क्रिसमस केक बनाया जाता है ना लोगों के द्वारा, तो वो केक क्या होता है, स्पेशलिटी होता है, खास होता है, किसके मतलब क्रिसमस पे, यानी केक ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है, खास विशेष होता है। पीपल विश ईच अदर मेरी क्रिसमस, और लोग बाग कैसे अपने आप को एक दूसरे को विश करते हैं, मेरी क्रिसमस कहते हुए। ओके, नेक्स्ट है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, जो हमारी फसल तैयार होती है उसके उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, तो ये कटाई वाले फेस्टिवल होते हैं जो फसल के बाद में मनाए जाते, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ क्रॉप सीजन, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं आखिर में, जब ये क्रॉप सीजन ख़त्म होता है तो उसके आखिर में मनाए जाते हैं। दिस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट स्टेट, और ये त्यौहार मतलब डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्टेट्स में मनाए जाते हैं, यानी अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। अब जैसे हमारा वैसाखी, एक वैसाखी त्यौहार है, तो वैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, तो वैसाखी क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो फसल कटाई वाला त्यौहार है पंजाब का। पीपल एक्सप्रेस देयर जॉय विद द बीट ऑफ ढोल एंड डांस, लोग वह कैसे व्यक्त करते हैं अपने आनंद को, बीट ऑफ ढोल यानी ढोल को बजाते हुए और डांस करते हुए व्यक्त करते हैं। मैन परफॉर्म द फेमस भांगड़ा एंड वीमन परफॉर्म गिद्दा, आदमी किसको परफॉर्म करते हैं,
जो उनका फेमस जो डांस होता है भांगड़ा, उसको करते हैं, और औरतें क्या करती हैं, गिद्दा डांस करती है। तो ये खास होता है। तो यानी वैसाखी का त्यौहार जो पंजाब में मनाया जाता है, और कौन सा फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। ओके ओके स्टूडेंट, तो ये आज के लिए इतना ही। तो ये काफ़ी आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और यहाँ तक की वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे और इसको कम्प्लीटली आप रीड करेंगे। ओके एंड थैंक यू।